वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। मैं आप सबकी प्यारी नीति बिहारी। आज हम अपने इस वीडियो में रिएक्ट करने वाले हैं रोस्टिंग वीडियो पर। तो ये रोस्टिंग वीडियो होने वाला है इंस्टाग्राम रील पर। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और भाई क्या चल रहा है? ओ माई गॉड, सोफिया अंसारी सोफिया संस्कारी कैसे बन गई? एक्चुअली दिस इज द रेयरेस्ट पिक ऑफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर विदाउट शोइंग हर टैलेंट। मेरा दिल बहुत बड़ा है। सो नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट ड्रीम गर्ल। हेमा मालिनी की बात नहीं कर रहा। तो देखो, कुछ दिनों पहले मैं इंस्टाग्राम का रील स्क्रॉल कर रहा था एंड आई फाउंड दिस गर्ल मीनाक्षी डे, जिसके इंस्टाग्राम पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स है और इसका यूजर नेम है ऑफिशियल ड्रीम गर्ल 666। वाओ। नाउ तुम अपने बुद्धि का उपयोग करो और गेस करो कि ये क्या करती होगी। लिप सिंक? नहीं। तो फिर डांसिंग? नहीं। स्लो मोशन वॉक? नो। एक्चुअली मैडम बहुत 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 मेहनत करके दूसरे के रील्स पे रिएक्शन देती है, वो भी बिना कुछ बोले। या इट्स ट्रू मैडम, अपने हर एक वीडियो पे रिएक्शन देती है, वो भी बिना कुछ बोले। और तो और हर वीडियो पे एक्सप्रेशन भी सेम रहता है। इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे, अकड़ दिखाओगे। रियल हंसी तो तुम्हें तब आएगी जब तुम इसका बायो पढ़ोगे। मीनाक्षी डे एक्टर। एक्टर मस्त जोक मारा। दूसरे के रील में सेम एक्सप्रेशन के साथ बिना कुछ बोले रिएक्शन देना, एक्टिंग में आ गया। एंटरटेनर इन्फ्लुएंसर। अरे शर्म करो। तो चलो यार इसी बात पे एक शायरी हो जाए। इरशाद भाई इरशाद, म्यूजिक कौन लगाएगा बे? युवराज सिंह को दिलाओगे गुस्सा तो वो मारेगा 6-6। युवराज सिंह को दिलाओगे गुस्सा तो वो मारेगा 6-6। इनके फेमस होने का रीजन है इंस्टाग्राम का रिमिक्स। वैसे रिमिक्स के अलावा मैडम बहुत अच्छे वाले वाहियात वीडियो बनाती है। मैडम यार मतलब सारी दुनिया इस गाने पे पेट दिखा रही है और आप Listen to me now. अबे यार मतलब वीडियो ट्रांजिशन सब सही है पर आखिरी में ये स्टेप क्यों? एक्चुअली ये मैडम का फेवरेट स्टेप है। अपने हर एक डांस वीडियो में बार बार हर बार लगातार मैडम का ये डांस स्टेप होना कंपलसरी है। अब देखो यार, सबसे पहले तुम एक काम करो, पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हमें बहुत लंबे रेस में दौड़ना है। Hey, I'm getting whipped tonight. All up in it. Killer, West Side Killer. Wait a minute. Wait a minute. सेम वीडियो तुमने 5 दिन पहले भी अपलोड किया है। अपुन को ये टैलेंट कहीं सुनेला लगता है। नेहा सिंह से इंस्पायर्ड हो ना? जादूगर है क्या? तेरे घर पे जादूगर आया था? बाय द वे, व्हाट आई वाज थिंकिंग कि नेहा सिंह सुधर गई होगी, लेकिन नहीं। चाहे कोई इस पे रोस्ट बनाए या फिर लोग कमेंट सेक्शन में गालियां दे, ये नहीं सुधरने वाली। टूटा बाल क्या हटाया, वीडियो बना दी। यार मैडम जी ये कौन सी आंखें हैं? I don't know. यार ऐसे वीडियो बनाने से अच्छा है कि रिमिक्स ही बना लो। वैसे रिमिक्स से याद आया, एज वी नो कि हर बाप का एक बाप होता है और उसे हम दादाजी कहते हैं। सो देयर इज अ गर्ल नेम ड्रीम प्रिंसेस। मतलब अगर तुम ना इंस्टाग्राम पे रिएक्शन दे रहे हो तो तुम्हारे नाम के आगे ड्रीम लगना कंपलसरी है। सो इसका नाम है ड्रीम प्रिंसेस और इसने रील में रिएक्शन देने की सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। 23 घंटे पहले उसने ये रील डाला है एंड नाउ उसके बाद और ये है मैडम का रीसेंट रील। मतलब मैडम लिटरली पिछले एक दिन में 82 रील डाल चुकी है एंड स्टिल 1 घंटा बचा है। इसका अगर तुम बायो देखोगे ना तो मैडम ने यहाँ पर लिख रखा है कतई जहर एक्टर वीडियो क्रिएटर। वो अलग बात है कि 1.8 मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद भी गूगल तक इसको नहीं जानता। अब जानता तो गूगल तेरे को भी नहीं है। अच्छा
हे गूगल, हु इज केडी लाइफ? यार मैडम के इतने सारे रील्स देखने के बाद ना मेरे को बहुत जोर से शायरी आ रही है। इरशाद नहीं बोलेगा? नहीं। तो देखो, जिंदगी मौत से लड़ रहा है, डिप्रेशन का ढोकला सड़ रहा है। जिंदगी मौत से लड़ रहा है, डिप्रेशन का ढोकला सड़ रहा है। ऐसे वाहियात वीडियोस को रोक लो इंस्टाग्राम, तुम्हारा सर्वर इसी से भर रहा है। इंस्टाग्राम पे आज जितने भी लड़की फेमस है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक बार अपने दिल से पूछिए कि आप टैलेंट दिखाकर फेमस हैं या अपनी जिस्म दिखाकर। मैडम मैडम मैडम, यार तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन उसने बात फेमस होने की, फॉलोअर्स तो यार गौरव जोन के कुत्ते का भी है। इसके मतलब 99.9% वीडियोस रिमिक्स के होते हैं। ये मतलब रिमिक्स का सुनहरी दुनिया में कुछ इस तरह से खो गई है कि इसके नॉर्मल वीडियो भी रिमिक्स के फॉर्म में आते हैं। देखो, मैं आपसे लास्ट बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मुझे कमेंट में मम्मी पापा की कसम मत दो। अर्थ और मतलब इतना घुस चुकी है कि इसको मतलब पता भी नहीं चलता कि इसने सेम वीडियो को दोबारा री अपलोड कर दिया है। इसको ना मतलब किसी ने सिखा दिया है कि दिन भर रील देखो, रील पे रिमिक्स का बटन दबाओ, 10 सेकंड के लिए कुछ भी बकवास कर दो, वरना फिर एक्सप्रेशन के साथ भी चल जाएगा, और उसको फिर अपलोड कर दो। रील देखो, रिमिक्स बनाओ, अपलोड करो। रील देखो, रिमिक्स बनाओ, अपलोड करो। दिन भर ये बंदी यही कर रही है, तभी इसके एक एक दिन पे 100-100 वीडियो आ रही है। इवन जिसके साथ ये रिमिक्स कर रही है उसको टैग भी नहीं करती, टैग करती है खुद को। इसके पूरे वीडियो में इससे ज्यादा मेहनत इसका फिल्टर करता है, वो अलग बात है कि स्टिल बेचारा हार जाता है। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? इवन मैडम अपने हर एक वीडियो में बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करती है। तेरे बोलना ते स्माइल जो मसाला मीट तेरी, तेरे नैना बिचों दो पैग लाउनी। जहर जोड़ी, अबे भाई बहन है वो। सो रिसेंटली आई फाउंड अ वीडियो ऑफ हर जिसमें ये रो रही है। मेरे से नहीं हुआ इग्नोर, मैंने बहुत इग्नोर करने की कोशिश की, मेरे से सबने बोला कि तुम इग्नोर करो। अबे रो रही है, रो के हंस रही है, हंस के रो रही है, मतलब क्या हो क्या रहा है यार? यही एक्सप्रेशन होता है जब तुम रोने की एक्टिंग करते हो, और तुम्हें पता होता है कि तुम बहुत बेकार एक्टिंग कर रहे हो, तुमसे एक्टिंग नहीं हो रही है, तो तुम इसी को सोच के मन ही मन हंस रहे हो। वैसे एक्टिंग से याद आया, मैडम ने म्यूजिक वीडियो भी किया है। Oh my God, 1.8 million followers होने के बाद भी 12,000 views आए। इससे ज़्यादा views तो मेरे second channel पे आते हैं। यार जाके subscribe करो, क्योंकि वहाँ पर अब से मैं regular आने वाला हूँ। चल झूठा। अरे सच्ची। So that is it for today. Like the video, फिर like date और channel को subscribe करो। Reels देखने के लिए Instagram पे follow करो, और shoes purchase करने के लिए description के link पे जाओ। इन दोनों video को देख लेना, यहाँ वहाँ जहाँ पर भी आ रहे होंगे। मिलते हैं अगले video में। वाओ, ये वीडियो देख के ना मजा आ गया, बहुत ही अमेजिंग था ये वीडियो, बहुत ही ज़्यादा। ये जो रोस्टिंग किए हैं बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा मजा आया। आपको तो पता ही है कि इंस्टाग्राम पे कितना ज़्यादा फॉलोअर्स होता है कुछ भी करने के बाद, तो ये वीडियो मुझे बहुत ही ज़्यादा मजा आया रोस्टिंग वीडियो देख के। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हाँ आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस पर चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।